बहुत सारे लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, पर कभी कभी ये डर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि इंसान अपनी सूझ समझ सब खो देता है। और ये डर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, इसके लक्षण फिजिकली भी दिखाई देते हैं। और ये आम डर नहीं है, ये फोबिया है। ललन टॉप के व्यूअर हैं आयुष, 29 साल के हैं। उन्हें ऊंचाई से भयानक डर लगता है, इतना कि वो लिफ्ट में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो कांपते हैं, नीचे जमीन दिख जाए तो उन्हें उल्टियां होने लगती हैं और बीपी बढ़ जाता है। वो चाहते हैं कि वो अपने शो पर इस डर के बारे में बात करें। दरअसल ऊंचाई से जरूरत से ज्यादा डर कहलाता है एग्रोफोबिया। ये बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, पर अगर इसका असर आपकी रोज की जिंदगी पर पड़ रहा है तो इलाज लेना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एग्रोफोबिया क्यों होता है। एग्रोफोबिया, जिसे हाइट का फोबिया भी कहा जाता है, बहुत से लोग इसे इसी नाम से जानते हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइप का फोबिया है। फोबिया जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, मतलब इतना ज़्यादा डर होना जो इरेलेवेंट है, अनएक्सप्लेन्ड है और आपकी डे टू डे लाइफ में आपको परेशान कर रहा है। तो एग्रोफोबिया में किसी भी इंसान को किसी भी ऊंची जगह से, ऊंची जगह पे होने से, ऊंची जगह पे होने की सोच से भी वो डर या चिंता इतना ज़्यादा हो जाएगी कि वो खड़े भी नहीं हो सकते। उनको चिंता के लक्षण आपको फिजिकली मेंटली दिखाई देंगे, कई बार पैनिक अटैक की संभावना भी होते हैं। इसे एग्रोफोबिया कहा जाता है। ये कॉमन टाइप है, 3-6% में लोगों में मिलता है, फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है और ये बच्चों से डेवलप होता है जो यूजुअली एडल्टहुड तक कंटिन्यू करता है। कारण बहुत से रिसर्चेस हुई लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। कई बार हेरिडिटी भी होती है, कई बार आपकी एंजाइटी प्रोन पर्सनालिटी होती है, या कई बार आपने किसी को गिरते हुए देखा हो, या आप कभी किसी हाइट से गिरे हो, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो जिसमें आपको काफ़ी चोट लगी हो, या आपने ऐसी कोई न्यूज़ देखी हो। कोई स्पेसिफिक कारण अभी तक रिसर्च में प्रूव नहीं हुआ है। हर केस में आपको कारण अलग अलग मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आगे की थेरेपी की जाती है, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो एक्रोफोबिया में शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके के लक्षण विजिबल होते हैं। शारीरिक तौर पे आपको हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फील होगी, आपको शेकिंग फील होगी पूरी बॉडी में। कोई भी दूसरा इंसान उनको देखेगा, वो समझ सकता है कि वो इंसान अनईजी फील कर रहा है, अनकम्फर्टेबल है। मानसिक तौर पर वो किसी भी तरीके से अपने दिमाग को एक जगह पर नहीं रख सकते हैं। वो फियर उनके दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि उन्हें लगता है कि वो अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं और किसी भी समय वो गिर सकते हैं या उन्हें कोई नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चिंता इतने क्रॉनिक लेवल पे होती है कि वो उनके मानसिक तौर पे, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन पे, उनके बॉडी एक्सप्रेशन पे आपको दिखाई देगा। बॉडी लैंग्वेज बहुत प्रोमिनेंट होती है जो मेंटल स्टेट की डिस्टर्बेंस को शो करती है। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि एक्रोफोबिया का इलाज पूरी तरीके से संभव है, जैसे कि बाकी फोबियाज का इलाज संभव होता है एंजाइटी डिसऑर्डर के अंडर में। और सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में भी एक्सपोजर थेरेपी, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का पार्ट है। एक्सपोजर थेरेपी का मतलब यह है कि धीरे धीरे इंसान को कम्फर्टेबल कराना उस सिचुएशन से, एक्सपोजर को धीरे धीरे बढ़ाना, जिसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहा जाता है। उस तरीके से उस फियर को खत्म करना, जितना ज्यादा वो फेस कराया जाएगा कंफर्टेबल कराते हुए, उनके दिमाग में ये कॉग्निशन लाते हुए कि यस आप हाइट पे हैं बट उसके बाद भी आप सेफ फील कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये तरीका होता है एक्सपोजर थेरेपी में और इसके थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई केसेस में जहाँ पे एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, उनको हार्ट बीट का इशू बहुत होने लग गया है, बीपी में प्रॉब्लम होने लग गई है, वहाँ दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें जहाँ पे एंजाइटी के कारण आपके फिजिकल सिम्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपका हार्ट रेट फ्लक्चुएट होने लगता है, कई बार बीपी का इशू भी होने लगता है, उनको ट्रीट करने के लिए मेडिसिंस की ज़रूरत पड़ती है, जो यूजुअली एंटी एंजाइटीज होती हैं। साइकेट्रिस्ट दे सकते हैं, कई बार जनरल फिजिशियंस भी देते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं चलेंगी, ये सिर्फ उन सिम्टम्स के क्योर तक ही लिमिटेड रहेंगी। थेरेपी भी एक कोर्स की तरह कंप्लीट की जाती है। एक बार जब वो कोर्स सिस्टमेटिकली
कंसिस्टेंसी के साथ में कंप्लीट किया जाए तो आप पूरी तरीके से एक्रोफोबिया से निजात पा सकते हैं और बाद में कभी भी आपको इस तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी आपको अगर कोई ट्रिगर्स लगते भी हैं तो थेरेपी में आपको सिखाया जाता है कि आपको कौन सी टेक्निक्स उन ट्रिगर्स पे आने पे यूज करना है जिससे कि वो दोबारा से प्रिवलेंस पे ना आए। सुना आपने, एक्रोफोबिया के इलाज संभव है पूरी तरह से। तो अगर आप भी बताए गए लक्षण महसूस करते हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए लिवर पर चर्बी जमा होने से कैसे रोकें। लिवर पर चर्बी जमा होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर इसे बचा जा सकता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। केवल देखिए, आप फैट से बचिए, ज्यादा फैट का सेवन मत करिए, बैलेंस डाइट लीजिए और एक्सरसाइज करिए, अपने वजन को संतुलित रखिए। इससे आप फैटी लिवर से बच सकते हैं। पर वायरल हेपेटाइटिस से भी लिवर पर चर्बी जमती है, इससे बचें। हेपेटाइटिस का टीका लगता है, उसे जरूर लगवाइए। कोई भी दवाई आप अपने आप मत लीजिए, बल्कि डॉक्टर की सलाह लेकर इस्तेमाल करिए। ज्यादा शराब से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा शराब से फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। लिवर पर अगर चर्बी जमा हो गई है तो उसे दोबारा हटाया भी जा सकता है ज्यादातर केसेस में। कुछ दवाइयां भी उपलब्ध हैं। अगर भूख नहीं लग रही है, आपको उल्टियां आ रही हैं, जी कच्चा महसूस हो रहा है, पेट के बाएं हिस्से में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, ये सारे लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। क्योंकि अगर लिवर खराब हो जाएगा तो लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा और उस हालत में आपके पेट में पानी का भर जाना, पीलिया होना, कभी कभी बेहोश हो जाना, खून की मतली आना जैसे लक्षण सामने आएंगे। इसलिए इसे हल्के में ना लें, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए जिस थैले में आप राशन लाते हैं वो आपकी सेहत के लिए खतरनाक क्यों है। अगर आप भी रीयूजेबल थैलियां इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर एक बात बताइए, जिस थैली में आप अपना रोज का राशन लेने जाते हैं उस थैली को आपने आखिरी बार धोया कब था? देखिए, दिक्कत यह है कि अगर आप उसमें कच्चा खाना जैसे कि मीट, चिकन, अंडे भी लाते हैं तो आपके बैग के अंदर बैक्टीरिया जमा होते रहते हैं और ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाते हैं बाकी सामान पर अगर आप अपने बैग को नहीं धोते हैं। इसलिए अपने बैग को हर कुछ समय में जरूर धोएं। अगर वॉशेबल है तो आप उसे वॉशिंग मशीन में डाल के धो सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।